तर गज मुझे पता आप लोग भी चाहते हो अपना जो चैनल है वो ग्रो करना, बट गज आपने तो बहुत ट्राई कर लिया बट चैनल तो ग्रो हो ही नहीं रहा, तो क्या करोगे, यूट्यूब क्विट कर दोगे क्या? तो गज नहीं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। बट गज आज का जो वीडियो है आप अगर पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका जो चैनल है वो 101% ग्रो हो जाएगा। एंड गज आप खुद ही नोटिस कर पाओगे और आप खुद ही बोलोगे यार सच में मेरा चैनल तो ग्रो हो रहा है। सो गज चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस मैंने रिसेंटली पोस्ट किया था अपने कम्युनिटी टैब पे आपको क्या गेमिंग चैनल ग्रो करने में टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो वहाँ पर 89% बंदे ने बोला था यस। तो गाइस चिंता मत करो, मैंने जब बोला है गेमिंग चैनल ग्रो होगा तो होगा, तुमको जस्ट मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा। बट गाइस एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स बनने से पहले आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। सो गाइस मुझे वीडियो वायरल करने के लिए आपको मोस्टली CTR वॉच टाइम एंड ऑडियंस रिटेंशन लगता है। सो गाइस CTR इंक्रीज करने के लिए आपका जो थंबनेल होता है वो आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। सो गाइस आप मेरे चैनल पे जा सकते हो और मेरे थंबनेल को चेक कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो बोल सकते हो, मैं भी आपको सिखा सकता हूँ मैं कैसे अपना थंबनेल बनाता हूँ। बट इसके लिए आपको कमेंट पे आपको बताना पड़ेगा मुझे चाहिए वीडियो ऑन हाउ टू मेक थंबनेल लाइक यू। सो गाइस आप लोग अगर डिमांड करोगे तो क्यों नहीं बनाएंगे। और गाइस आपका जो ऑडियंस रिटेंशन होता है उसको आपको हाई करना है। ऑडियंस रिटेंशन मतलब आपका जो वीडियो है आपका जो व्यूअर्स है वो कितने टाइम तक देखते हैं। और गाइस एक अच्छा ऑडियंस रिटेंशन होना जरूरी है अगर आपका वीडियो वायरल करना है तो। और गाइस बात रही हमारे वॉच टाइम की, तो एक वॉच टाइम बेसिकली होता है आपका जो व्यूअर है वो आपके वीडियो को कितने मिनट नहीं तो कितने सेकंड तक देखता है। और गाइस ये तीनों अगर आपका अच्छा होगा तो आपका इजीली वायरल हो जाएगा वीडियो। गाइस अच्छे खासे व्यू तो मिल जाएंगे, बट आप अगर चाहते हो 5 गुना और भी व्यू लेना तो आपको करना पड़ेगा ढंग से एसी। देखो आप अगर अच्छे से SEO करोगे तो आपका लाइफ टाइम के लिए जो वीडियो है उससे व्यू आएगा। और गाइस जो SEO होता है वो डिपेंड करता है आपका डिस्क्रिप्शन टाइटल एंड टैक्स। तो गाइस आपको अच्छे अच्छे टैक्स फाइंड करने पड़ेंगे। और गाइस आप अगर अच्छे टैक्स फाइंड करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो TubeBuddy। एंड गाइस आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है रैपिड टैक्स। तो गाइस रैपिड टैक्स में आपको इजीली रेडीमेड टैक्स मिल जाएंगे एंड आप इजीली उसको अपने वीडियोस पे यूज कर पाओगे। एंड गाइस जो TubeBuddy एप्लीकेशन होता है उससे आप इजीली पता कर पाओगे जो टैक्स है उसका सर्च वॉल्यूम कितना है एंड कॉम्पिटेटिव कितना है। सो गाइस चलो हमारे मेन टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस मुझे फर्स्ट नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स है वो एक मिस्टेक को रिलेटेड है। सो गाइस आप जब भी एक न्यू चैनल खोलते हो तो उसमें सबसे बड़ा गलती करते हो, आप स्टार्टिंग से मोंटेजेस बनाना स्टार्ट कर देते हो एंड टोटल गेमिंग के जैसे आप वीडियो डालते हो। सो देखो गाइस अपना जो टोटल गेमिंग है नहीं तो कोई भी बड़ा गेम प्ले क्रिएटर उनका पहले से मार्केट में एक नेम है। और गाइस जब इन्होंने ये गेम प्ले डाला तब कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा कम था। सो गाइस आपको स्टार्टिंग में एकदम ही गेम प्ले से शुरुआत नहीं करना है। सो गाइस आपको स्टार्टिंग में जो हाउ टू ट्यूटोरियल्स वाले वीडियो होते हैं उनको स्टार्ट करना है। सो गाइस आपको लीक्स एंड अपडेट देना। और गाइस एक बेहतरीन कंटेंट है जो है हमारा न्यूज चैनल। गाइस देखो न्यूज चैनल में हमारा जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा कम है। एंड गाइस जो न्यूज चैनल का काम होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है और बहुत ज्यादा इजी कंटेंट होता है। आपको जस्ट टोटल गेमिंग देसी गेमर्स इनका आपको स्ट्रीम देखना है एंड आपको थोड़ा सा यूट्यूब पे एक्टिव रहना पड़ेगा जिससे आप कोई भी बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर का न्यूज कवर कर पाओगे। एंड गाइस जो न्यूज चैनल का ऑडियंस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। एंड गाइस आपको अगर न्यूज चैनल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप हाउ टू ट्यूटोरियल स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो गाइस आपके पास अगर डायमंड होते तो आप डायमंड वेस्टिंग कॉन्टेंट भी बना सकते हो। और अगर ये भी नहीं बनाना चाहते तो आप अपडेट्स हो या लीक्स एंड अपडेट बेस्ट कॉन्टेंट होगा आपके लिए। बट गाइस आप चाहो तो प्रैंक्स भी अपलोड कर सकते हो, बट आपको स्टार्टिंग में गेम प्ले अपलोड नहीं करना है। सो गाइस चलो हमारे 2 नंबर टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो देखो गाइस आपको पता होगा हम यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, बट बहुत सारे क्रिएटर बोलते हैं हमारे जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो अलग चैनल एंड शॉर्ट वीडियोस होते हैं वो अलग चैनल पे अपलोड करना चाहिए। सो गाइस मैं बोलना चाहता हूँ एकदम ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास थोड़े भी ऑडियंस नहीं है। एंड गाइस ये जो रूल है वो बेसिकली टेक चैनल पे अप्लाई होता है। एंड गाइस आपको पता होगा शॉर्ट का रीच है वो बहुत ज्यादा होता है। और गाइस आप अगर चाहते हो सब्सक्राइबर गेन करना तो आप जरूर शॉर्ट वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड करना। बट गाइस आप शॉर्ट वीडियोस डाल दो तो डालो, बट आपको लॉन्ग वीडियोस भी उनके साथ डालना पड़ेगा। गाइस आप अगर मोनेटाइज करना चाहते हो अपने चैनल को तो आपको लॉन्ग वीडियोस ही डालना पड़ेगा। और गाइस आप अगर ओनली शॉर्ट वीडियोस डालोगे तो आपका जो चैनल है एक टाइम पे डेड हो जाएगा। तब आप देखोगे आपके चैनल पे सब्सक्राइबर है 1 लाख, बट जो व्यू आते हैं वो 10-50 आते हैं। सो गाइस ऐसे सब्सक्राइबर का फायदा क्या है जो आपका वीडियो ही नहीं देखता? क्योंकि गाइस जो आपका शॉर्ट वीडियो सेक्शन से जब कोई आपको सब्सक्राइब करेगा तो आपका जो सब्सक्राइबर का बेल आइकन है वो टैप ही नहीं होता, तो आपका सब्सक्राइबर का जो नोटिफिकेशन है वो कैसे भेजेगा? एंड गाइस आप अगर रेगुलर शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस डालोगे तो आपका जो चैनल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रो होगा और आपका चैनल है वो एक टाइम पे मोनेटाइज भी हो जाएगा। एंड गाइस आपको जो चैनल के सब्सक्राइबर होंगे वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। सो गाइस चलो हमारे नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं।
सो गाइस मुझे ट्रिक नंबर 3 आता है, वो है नॉट फोकसिंग ऑन अ सिंगल कंटेंट। सो गाइस इसका मतलब है आप अगर टिप्स एंड ट्रिक्स देते हो तो आपको हर वक्त ही टिप्स एंड ट्रिक्स ही देना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चाहो तो प्रैंक्स डाल सकते हो, गेम प्ले डाल सकते हो, सब कुछ ट्राई करना है आपको, बट आपको कोई भी सिंगल कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि आप अगर एक सिंगल कंटेंट पे फोकस करके रहोगे तो आपका चैनल है वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होगा। बट गाइस आप अगर हर टाइम कुछ न्यू ट्राई करोगे तो आपका जो चैनल है वो बहुत ज्यादा ग्रो होगा। बट गाइस आपको ऐसा भी नहीं करना, एकदम ही कंटेंट चेंज कर दो। मतलब आप अगर टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे थे, आप न्यूज चैनल पे स्विफ्ट हो जाते हो और आप जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते थे वो बंद कर देते हो। तो गाइस ये आपको गलती से भी गलती नहीं करना है। तो गाइस आपका जो मेन कंटेंट है उसको आपको भूलना नहीं है, उसको आपको अपलोड करते जाना है। बट इसके साथ साथ आपको जो कंटेंट ट्राई करना है उसको भी अपलोड करते जाना है। गाइस आपको एक बार टिप्स एंड ट्रिक्स देना है, देन आपको जो सेकंड वीडियो होता है आपका जो कंटेंट है उस पे आपको वीडियो अपलोड करना है। सो गाइस आपका चैनल का सब्सक्राइबर होंगे वो भी डेड नहीं होंगे और आपका जो न्यू ऑडियंस है वो भी मिलेंगे। सो गाइस चलो मैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो देखो गाइस आप एक मिस्टेक कर दो, देखो आप ज्ञान गेमिंग ले लो नहीं तो टोटल गेमिंग ले लो, इनका जो वीडियो का क्लिप्स होते हैं उनको कट आउट करते हो और आप शॉर्ट्स पे अपलोड करते हो, और शॉर्ट्स नहीं लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड करते हो। सो गाइस मुझे एक बात बोलो, क्या इससे आपका कोई भी फेस वैल्यू बन रहा है, मतलब कोई भी आपके कॉन्टेंट के लिए आपको सब्सक्राइब कर रहा है? ना, आप जिस क्रिएटर का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हो उन्हीं का जो फैंस होते हैं वही वीडियो को देखेंगे, बट गाइस आपके कॉन्टेंट के लिए एक बंदा भी आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा। मतलब देखो गाइस आप अगर कोई खुद का कॉन्टेंट बनाओगे तो उसपे एकदम ही व्यू नहीं आएगा, और गाइस इससे आपका चैनल का जो स्ट्राइक लगने का चांसेस है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जिसका आपने कंटेंट कॉपी किया है वो चाहे तो आपको इजीली स्ट्राइक मार सकता है। तो इसलिए गाइस आपको खुद का कंटेंट बिल्ड करना है। हाँ गाइस माना स्टार्टिंग में व्यू नहीं आएंगे, बट कुछ दिनों के बाद आप जब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आपका जो व्यू है एंड सब्सक्राइबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एंड कस्टमर ट्रिक नंबर 5 आता है, वो है आपको कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं करना है एंड आपको डेली वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि गाइस अगर डेली वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो भूल ही जाओ चैनल ग्रो करना। अगर आप महीने में एक वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब भी खुद समझ नहीं पाता इसका चैनल का कंटेंट क्या है भाई, साला महीने में एक दो कंटेंट अपलोड करता है, इससे क्या होगा भाई, समझ नहीं आता क्या कंटेंट बनाता है बैंकर। एंड का जो यूट्यूब है आपका वीडियोस का एकदम ही इंप्रेशन नहीं भेजता एंड आपके जो वीडियोस है वो एकदम ही वायरल नहीं होते। और गाइस आप अगर डेली क्वालिटी कंटेंट वीडियो अपलोड करते हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका जो यूट्यूब चैनल है वो एक दिन ग्रो हो जाएगा। बट गाइस आपको एक मिस्टेक नहीं करना, आपको स्टार्टिंग में कभी ये नहीं बोलना है भाई सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, क्योंकि जो व्यूअर्स है उनको पता है कैसे सब्सक्राइब करना है और कैसा लाइक करना है। और गाइस आप अगर स्टार्टिंग में ये बोल के व्यूअर्स को बोर करने लग जाओगे तो आपका जो ऑडियंस रिटेंशन होता है वो बहुत ही ज्यादा डाउन आएगा। एंड गाइस ये टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करो तो मैं बोल सकता हूँ आप इजीली एक यूट्यूबर बन जाओगे। बट गाइस मैं नोटिस कर रहा हूँ आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे हो? चैनल को कर लो सब्सक्राइब और पास में नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो। एंड गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और गाइस आप भी अगर चाहते हो नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे बने तो कमेंट पे बता देना। सो गाइस वीडियो के यहाँ पे करते खत्म, चलिए बाय बाय।